यस सर। सर। ओके बेटा, वॉइस क्लियर है ना आपके पास में? यस सर। यस सर। चलो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल का टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एलजेब्रा या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। नंबर वन पे स्टूडेंट्स हमने क्या लिया था, आपको डेरिवेटिव लिखना है, जो ऑलरेडी आपने ले लिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, यू प्लस वी फंक्शंस का सम यदि आपको मिलता है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो, तो इसका आंसर हमने कल देख लिया था स्टूडेंट्स। सेपरेटली यू का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे एंड नेक्स्ट वी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे। डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, जो साइन है वो साइन आपको यूज करना है। कल हमने समझ लिया था, इसको शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो यू डैश प्लस बी डैश। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर माइनस साइन होगा दोनों का डिफरेंस होगा तो फिर आप माइनस साइन यूज करेंगे। तो ये टू फंक्शंस के लिए हमने लिया है, ऐसे थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, ऐसे फंक्शंस लेकर आप इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड स्टूडेंट हमने लिया था डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यू इन टू वी, टू फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको लिखना हो, तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? इन दोनों में से हम फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। अब किसी भी एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं, किसी को सेकंड कह सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि यू को फर्स्ट फंक्शन बोला जाएगा वी को सेकंड बोला जाएगा, नहीं, आप वी को भी फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं यू को भी सेकंड फंक्शन बोल सकते हैं। तो आप हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गए, आप हमारे लिए सेकंड फंक्शन हो गए। ओके, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज आप रखेंगे, यथावत रखेंगे, यू का यू यूज करेंगे। ओके, चलो हम यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स इन टू इन टू साइन है और वी को आप एज इट इज यूज करेंगे। ऐसे कैसे आप यहां से कॉपी करके रखेंगे, उसमें कोई चेंजेज नहीं करना, आप प्लस अब चेंज करना है, जिसको आपने एज इट इज रखा है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में उसका डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट जिसका डेरिवेटिव आपने लिया था उसको एज इट इज रखेंगे। तो यू डी वी बाई डी एक्स, स्टूडेंट्स कल हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा यू डैश डी यू बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप लोग, यू डैश इन टू वी प्लस यू इन टू बी डैश। ऐसे ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है, मल्टीप्लाई रूल कहलाता है डेरिवेटिव्स के लिए, या प्रोडक्ट रूल कहलाता है। कल हमने यहां तक ले लिया था, इसका एक एग्जांपल हम देते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे थ्री फंक्शंस, फोर फंक्शन, फाइव सिक्स सेवन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। चलो थ्री फंक्शंस के लिए एक बार मोर बता देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास में नहीं होगा तो आप देख लीजिए। चलो आप में से कोई बताइए, आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अपने आप को अनम्यूट करके जिसके पास आंसर है इसका आंसर दे देंगे आप। मैं वेट कर रहा हूं, जिसके पास आंसर है इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा, प्लस यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश। एक बार रिपीट करो बेटा, पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी। यू डैश वी डब्ल्यू प्लस यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश। वेरी गुड वेरी गुड, है ना, जो रेगुलर क्लास में उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों सिंपल सा है, यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश, थ्री टर्म्स में आपको आंसर मिलेगा। थ्री टर्म्स में क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो थ्री फंक्शंस का प्रोडक्ट है और एक टर्म में आप एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और अदर जो फंक्शंस है रिमेनिंग फंक्शंस है उनको आप यथावत रखते हैं, एज इट इज रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल तक पढ़ लिया था, एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेना चाहेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक्स साइन एक्स,
स्टूडेंट्स हमने ये एग्जांपल ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर है ये जो फंक्शंस आप देखेंगे टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक्स एलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यदि उस प्रोडक्ट का आपको डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो इसका जो फॉर्मूला होगा इनमें से, चलो इसको वन कह देते हैं, इसको टू कह देते हैं, इसको वन कह सकते हैं, इसको टू कह सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। चलो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म में, लिखेंगे डीवाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इनटू साइन एक्स को आप एज इट इज रखेंगे, एज इट इज का मतलब समझते हो कि एज इट इज क्या था वहां, है ना, ठीक है, एज इज समझ लो आप इसको, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और प्लस एक्स एज इट इज लेते हुए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे साइन ऑफ, ये हमने अभी शो किया है एज ए फॉर्मूला। अब इसका आंसर क्या होने वाला है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर 1, वेरी गुड, फॉर्मूला लगेगा x रेस टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, n x रेस टू द पावर n माइनस 1, गुड, क्या हो जाएगा ये एज इट इज रखिएगा प्लस x तथा sin x आएगा, क्या हुआ sin x आएगा, cos sin आएगा, cos के sin आएगा, cos की जगह sin आएगा, sin x आएगा, वेरी गुड, cos x plus x तो sin x आएगा, sin x, cos x कर दिया मैंने, वेरी गुड, sin x plus x cos x, गुड, cos x फॉर्मूला आपके पास है, आप डेरिवेटिव आसान से लिख सकते हैं। अब हमने एक स्टेप लिखी है, स्टेप लिखी है, आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं, आपका ऐसा नहीं कोई स्कोर डिटेक्ट होगा, नहीं आपको पूरा स्कोर मिलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमने ये स्टेप भी लिखी है, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके अंदर, चलो हम ले लेते हैं कौन का, एक लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं और कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और इनटू कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं इसके अंदर, लॉग एक्स का मान क्या होता है, चलो कॉस एक्स ले लेंगे, चलो बोल एक्स, ओके, जो फंक्शंस है थ्री फंक्शंस के मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, अब आप क्या करना है, वन टू थ्री ऐसे कर सकते हैं, वन टू थ्री, फर्स्ट टर्म में इसका डेरिवेटिव, सेकंड टर्म में इसका डेरिवेटिव और थर्ड टर्म में डेरिवेटिव, एक टर्म में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको एज इट इज रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आप पहले शो कर सकते हैं पी ऑफ एक्स, और इनको आप एज इट इज रखते हुए लॉग ऑफ एक्स इंटू cos of x प्लस, हमेशा प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन ही यूज करेंगे, ओके, अब सेकंड टर्म में इसका डेरिवेटिव होगा तो इसको एज इट इज रखते हुए दोनों को एज इट इज रखेंगे हम, e of x सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जो कौन है log of x है और इनटू cos of x, ओके, दिख रहा है स्टूडेंट, अब नया सिस्टम को थोड़ा नीचे रख लेता हूँ मैं, यहाँ रख लेता हूँ इसको, प्लस थर्ड टर्म को देखिए आप लोग, थर्ड टर्म में क्या करने वाले हैं, इस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, तो क्या हो जाएगा पी एक्स इंटू लॉग एक्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन कॉस एक्स, अब आंसर देना है, यस आंसर दीजिए आप, फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स, गुड, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, गुड, नेक्स्ट एक्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, वेरी गुड, वन अपॉन एक्स, ध्यान रखना आप लोगों को जब लॉग फंक्शन का कोई भी बेस आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता हो तो बेस अपने आप में क्या होता है बेस e होता है तब ही उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, यदि उसका बेस e से चेंज करके और कुछ रख दिया हमने, a रख दिया, 5 रख दिया, 7 रख दिया, फिर उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे,
कैसे होगा उसका डेरिवेटिव वो भी देख लेंगे। सॉरी अभी तो थर्ड फंक्शन को एज इट इज रखते हुए प्लस पी एक्स लॉग एक्स बताइए स्टूडेंट्स माइनस साइन एक्स गुड माइनस साइन एक्स। ऐसा तो नहीं है आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं और देखकर बता रहे हैं। नो सर नो सर नो सर। तो ऐसा करेंगे तो सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, सबसे पहले धोखा अपने आप को दे रहे हैं, जिसका एहसास शायद आज आपको नहीं हो लेकिन फ्यूचर उसका एहसास कराएगा आपको कि आप लोगों ने कितनी बेईमानी करी थी जिसका रिजल्ट हम लोगों को आज मिल रहा है। इसलिए ध्यान रखें, आपको आंसर आता है, एक्चुअल आता है, खुद को आता है, बिना किसी चीटिंग के आता है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दीजिए। नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर नहीं आ रहा है, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा स्टूडेंट कोई देगा, जो थोड़ी है कि आपको देना ही है, आता है तो दीजिए, बेईमानी नहीं रखेंगे इसके अंदर, आप अपनी ईमानदारी अपने पास है। ओके, अब इसको जितना आप सिंपल कर सकते हैं वो कर लीजिए, कॉमन लेना है कुछ करना है तो ऐसे स्टूडेंट्स आप इसमें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा जो अभी हमारे सामने था, हालांकि उसमें कहीं भी मल्टीप्लाई रूल नहीं लगाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है वो हम जरूर देख लेते हैं। अभी अभी आपने देखा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, क्या इसको हम यू भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन लॉग ई एक्स, दोनों का मतलब एक ही है, बेस यूज करें तब ठीक है, बेस यूज नहीं करते हैं तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का ही डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर वन बाई एक्स। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या मिल रहा है, अब क्वेश्चन में वो इतना चेंज करता है, इसका बेस वो कुछ अलग रख देता है, जैसे इसका बेस उसने ए ले लिया है, अब उसका डेरिवेटिव ये आपसे पूछा गया है, किसी के पास इसका आंसर है, वन बाई एक्स लोगे, वन बाई एक्स लोगे, वन बाई एक्स लोग ए, बेस ई और ए, एक बार दोबारा बोले बेटा सुना नहीं ना, वन बाय एक्स लोग लोगे, वन बाई एक्स लोगे लोग ए, उसका बेस अपने आप में ई हो ही जाएगा, गुड। देखिए आप लोग कैसे होगा, वो सिंपल सा है, जब तक इसका बेस ए है, जब तक इसका बेस ए है तब तक आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं है। स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होता है, जिसका डेरिवेटिव हम जानते हैं, और ये स्टैंडर्ड फंक्शन तब होगा जब इसका बेस ई हो, तब तो इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स लिख देंगे, लेकिन बेस ई नहीं है तो इसके लिए क्या होता है, आपको लॉग फॉर्मूला और देखना पड़ेगा, और लॉग फॉर्मूला क्या कहता है, कभी भी आपको ये बदलना हो लॉग ए एक्स, आपको तो ए को क्या बनाना है, ई बनाना है, तो स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, लॉग ए ई इंटू लॉग सॉरी ई एक्स, ये फॉर्मूला होता है, देखो हमें ई लाना था इसलिए हमने ई यूज किया, यहां पर ई से ई कैंसिल हो रहा है, वापस क्या बनता है, लॉग ए एक्स बन रहा है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब क्या हो जाएगा, ये तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट तो वैसे भी बाहर कर देते हैं क्योंकि वो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये जो है लॉग ई एक्स इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको आप यू भी कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको फॉर्मूले के थ्रू पे ऐसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, यहां भी लॉग देते हैं यहां भी लॉग लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बताइए, यहां एक्स आ जाएगा, और या ए नीचे है तो नीचे वाले के साथ ए आ जाएगा, ऊपर वाले के साथ एक्स आ जाएगा, ये लो एक्स ऊपर आ जाएगा, ए नीचे है तो नीचे आ जाएगा, ऐसे याद कर लो। और दोनों का जो बेस होगा वो हमने यूज ही नहीं किया है, जो बेस हमने लिखा ही नहीं तो वो ई होता ही, आप जानते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेम है, वो कैसे देखो, लॉग एक्स ये मैच हो गया, ई यूज करे नहीं करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जब है ना इन दोनों को आपस में बदल देते हैं तो ये लॉग यहां से यहां आ जाएगा, ये ए ई है और ये ई ए हो जाएगा, लॉग को जब आप नीचे लाएंगे तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ए ई से क्या हो जाएगा ई ए, ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहां बता रहा हूं इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, बेस चेंज करना है, जिसके पास लॉग फॉर्मूला है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होती है, चलो मैं डायरेक्टली बताता हूं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ऐसे कर दिया स्टूडेंट्स इसको,
ये लॉग फॉर्मूला होता है, जब भी आपको बेस प्रॉब्लम कर रहा हो तो ये देखो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर ले लेंगे आप, जो नीचे वाली कोई भी वैल्यू हो उसको आप नीचे ले लेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। दोनों भी हमने बेस यूज नहीं किया है, इसका मतलब बेस क्या है, ई है। ओके, अब हम आगे जाके एक और डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पर समझ आएगा। ये जो कॉन्स्टेंट है इस फंक्शन के साथ आ गया जो एक्सपेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम डीवाई बाई डी एक्स के भार ले लेते हैं। ये थोड़ा अभी आपको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आज ही पढ़ लेंगे इसको हम लोग, ये समझ में आ जाएगा आपके। लॉग ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट को हमने बाहर कर दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है। कईयों के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि सर कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन ओनली कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, ओनली कॉन्स्टेंट फंक्शन हो तब डेरिवेटिव जीरो होगा। अब कॉन्स्टेंट ओनली कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसे, इसके साथ तो वेरिएबल भी है, लॉग एक्स भी तो है। अगर ये लॉग एक्स नहीं होता, वन अपॉन लॉग ए होता तो कॉन्स्टेंट होता, वन भी कॉन्स्टेंट, लॉग ए भी कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव जीरो होता। लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो वन अपॉन लॉग ए और इसका आप डेरिवेटिव जानते हैं वन बाई एक्स, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया है जो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब हम थर्ड, इसको भी साफ कर लेते हैं हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे भागफल नियम। सॉरी थर्ड, क्वेश्चन रूल, भागफल नियम में क्या होता है, यदि आपको जो फंक्शन मिला हुआ है वो भागफल के रूप में हो, टू फंक्शन के भागफल में हो, इसको हम डिवीजन रूल भी बोलते हैं, क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। अब देखिए आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप इस रूल की डेफिनेशन समझ में आ रही है, जिसको भागफल नियम क्यों बोला गया है, क्वेश्चन रूल क्यों बोला गया है, डिवीजन रूल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फंक्शन आपको मिला है वो टू फंक्शन के भागफल में है, उनके डिवीजन में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि जो आपका ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है जी एक्स, उसको आप यू का यू रखेंगे जी एक्स और इसका होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट साहब। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है प्रेजेंट में जी एक्स है तो जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो न्यूमरेटर बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए आप एफ एक्स है जी एक्स है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, वही सिस्टम है, एक बार इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं इसको आप एज इट इज रखेंगे, सेकंड टर्म में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको एज इट इज रखेंगे, वही जो आपने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा है सेम, अंतर नहीं है। इसका जो न्यूमरेटर बनेगा वो कैसे बनेगा, यदि आप इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म में तो फर्स्ट टर्म में ये एज इट इज आ जाएगा, और सेकेंड टर्म में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, समझ आ गया। लेकिन यहां पर कुछ लिमिटेशंस है, वहां हमें कंप्लीटली फ्रीडम मिली थी, प्रोडक्ट रूल में 100% फ्रीडम है, आंख बंद करके भी आप काम करेंगे तो आपका आंसर सही जाता है। लेकिन अगर आपने यहां आंख बंद कर ली, आप थोड़ा सा लूज रह गए मामले को संभालने में, तो आप हो सकता है 50-50 पर है, राइट रॉन्ग पर है, आप किधर भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होती है। यहां पर जो डेरिवेटिव लेंगे आप फर्स्ट टर्म में वो इस फंक्शन का लेंगे एफ एक्स का, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फर्स्ट लिया जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट रूल में तो आप किसी का भी डेरिवेटिव ले लो, फर्स्ट टर्म में लो चाहे सेकंड में लो, लेना दोनों है, दोनों का है,
तो किसी को पहले बार लिखो, क्यों? क्योंकि वहां प्लस साइन होता था, यहां माइनस साइन है, इसलिए साइन का डिफरेंस आ जाएगा आपके आंसर में। तो देखिए आप एफ एक्स आपका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे हम ऐसे, इनटू जी एक्स को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि एक टर्म में हम एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में आप प्लस साइन यूज कर रहे थे, क्वोशेंट रूल में आप क्या करेंगे? माइनस साइन यूज करेंगे। अब इसको चेंज कर देंगे, इसका डेरिवेटिव था, इसका एज इट इज था, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स को एज इट इज रखते हुए और डेरिवेटिव लेंगे किसका? जी एक्स का। चलो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सिंपल लिखे। एफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स जी एक्स एज इट इज, एफ एक्स एज इट इज है, ये हो जाएगा जी डैश एक्स अपॉन, ये ध्यान रखना है इसके अंदर जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है जी एक्स है प्रेजेंट में, उसका होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव नहीं लिखना है यहाँ पर, डायरेक्टली उसको लेना है और उसका स्क्वायर लिखना है। इसको आप और भी आसान कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं देखो, लर्न करने के हिसाब से बता रहा हूं मैं इसको, यू अपॉन वी के फॉर्म में लर्न करते हैं जनरली हम लोग, एफ एक्स जी एस थोड़ा सा दिखने में साइज में लर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, यू अपॉन वी, तो यू अपॉन वी आप समझ रहे होंगे कैसे, इन दोनों का ही डेरिवेटिव लेना है, वन बाई वन करके लेना है, यहाँ पर टू टर्म्स होगी ठीक है, क्योंकि टू फंक्शंस का डिवीजन है, तो इन दोनों में से डेरिवेटिव लेना किसका है फर्स्ट टर्म में, इसके लिए इसका ऑर्डर है, आपकी चॉइस नहीं चलेगी कि किसी का भी ले लो, प्रोडक्ट रूल में भी लेते थे, हाँ करेक्ट, क्योंकि वहां पर प्लस होता था और प्लस में आप जानते हैं इस टर्म को यहां इस टर्म को यहां चेंज करने पर कैलकुलेशन पर और आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन यहां तो आ जाएगा माइनस है, ये टर्म यहां आ गया ये आ गया तो आंसर में माइनस का डिफरेंस होगा। ओके तो ये गलती नहीं करेंगे, इसको आप फर्स्ट फंक्शन बोल दो, इसको आप सेकंड बोल दो, यू समझ लो, तो फर्स्ट टर्म में इसी का डेरिवेटिव होगा, तो कैसे लिखेंगे हम? यू डैश शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इसको आप एज इट इज रखेंगे, वी माइनस आता है यहां पर, अब चेंज कर देंगे u को एज इट इज रखेंगे, u इंटू वी डैश। ओके स्टूडेंट्स, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लर्निंग में आसान होता है। तो टू फंक्शंस का यदि डिवीजन हो तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चंस तो होता है उसमें क्वोशेंट रूल भी लगता है, साथ साथ में प्रोडक्ट रूल भी लग जाता है ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं, और एग्जांपल्स में क्या है देखिए आप, इसमें जैसे आपने देखा था, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अच्छा एग्जांपल, आपको लग रहा होगा कि ये कहां से क्वोशेंट रूल के अकॉर्डिंग आंसर हो एग्जांपल हुआ है, डायरेक्टली कोई आंसर जानता है बेटा इसका? बताओ, टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, वेरी गुड, sec स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर हम लोग नहीं जानते हैं तब भी हम यहां से इसको सिद्ध कर सकते हैं, वो कैसे देखो, इसको हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स यू अपॉन वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं आप इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। आप देखो आप ये यू अपॉन वी फॉर्म में ले लिया हमने, इसको जानबूझ के हम टप कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करें देखते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स आता भी है नहीं आता जो हमने लर्न कर रखा है, तो आना है वो तो, लेकिन हम एक बार देखना चाह रहे हैं, डायरेक्टली आंसर sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम जानते हैं, ये कोई नहीं करेगा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका आंसर sec स्क्वायर आता नहीं होता ठीक है। ये u अपॉन v है आप जानते हो, तो क्या करना होता है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको लिखना होता है, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ sin x, और जो सेकंड फंक्शन है उसको आप एज इट इज cos x, माइनस आता है इसके अंदर क्वोशेंट रूल में माइनस, अब क्या होगा, इसको एज इट इज रखेंगे फर्स्ट फंक्शन को sin x, और जो सेकंड फंक्शन है यहां पर cos x है उसका
डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा, और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके आंसर देना आपको, बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आंसर दीजिए। वेरी गुड, cos x इनटू cos x एडिट रखना, माइनस साइन x कंटिन्यू करेंगे, बताइए माइनस साइन x cos square x is equal to, बताइए आप क्या हो गया ये cos square x plus sin x upon cos plus sin square x sin square x upon cos square x cos square 1 upon cos square x 1 upon cos cos square x is equal to sec square x sec square, जो आपने डायरेक्टली इसको लर्न कर रखा है, इसको हमने एज ए स्टैंडर्ड फंक्शन लिया हुआ है कि tan x, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कब से पढ़ रहे हैं हम, 9 से ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, कुछ बच्चे उसको पहले से भी पढ़ रहे होंगे, तो उसका डेरिवेटिव तो हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए ना, साइन कोस टेन से कोस से कोट, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, तो हमने डायरेक्टली लर्न कर लिया इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये रूल भी यूज कर सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे, लेकिन इसका जो लास्ट रूल है वो और ले लेते हैं, ताकि कल को ये समस्या नहीं, कल की क्लास तक हम नहीं जाना चाहते, जितने भी रूल्स है वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यस बेटा कोई प्रॉब्लम? ओके देखिए आप, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ के एफ एक्स, इसको हम ऐसे कोई नाम नहीं दे रहे हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भी अपने आप में एक प्रोडक्ट रूल ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट रूल का थोड़ा स्पेशल केस है ये, अगर हम नहीं पढ़ते हैं तब भी इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके 10 मिनट हमारे पास बची हुई है, देखिए आप क्या करना है आप लोगों को, ये जो टू फंक्शंस है ये अलग क्यों है, प्रोडक्ट रूल से आंसर देंगे हम लोग, आंसर भी आएगा, लेकिन हम इसका डायरेक्ट आंसर देना भी सीखेंगे, हर बार प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करेंगे। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सेकंड फंक्शन है वो एक्स पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कंप्लीटली हम कांस्टेंट फंक्शन नहीं कह सकते। आप ये कह दे कि अरे ये तो कांस्टेंट दिख गया और इसका डेरिवेटिव जीरो कह दो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कहता है नहीं, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में एफ एक्स है, एक्स पे डिपेंडेंट फंक्शन है, इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। हाँ अलग से इसको देखोगे तो कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, प्रोडक्ट रूल क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो मैं इसका पहले डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, कैसे के आप एक्स पर डिपेंड नहीं करते, हाँ एफ एक्स एक्स पर डिपेंड करता है, हाँ तो फिर जो डी बाई बाई डी एक्स है उसका के के साथ रहना मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि के तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, जब डिपेंड ही नहीं करता है तो इसको यहां रखना अपने आप में एक डिफिकल्टी को रखना हो गया। अगर हम चाहते हैं इसको आसान करना, सिंपल फॉर्म में देखना, तो के को हम डी बाई बाई डी एक्स के आउटसाइड में ले सकते हैं, इसकी परमिशन होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड नहीं करता, तो के को आप डीवाई बाई डी एक्स के साथ आउटसाइड में ले लेंगे, मल्टीप्लाई में रखना है क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में चल रहा है, ऐसे होगा इस तरह। ये अपने आप में आपका एक और रूल है, इसको हम कोई भी नाम नहीं देते हैं, ये अपने आप में प्रोडक्ट रूल ही है। अब कैसे होगा इसका आंसर भी दे देता हूँ आपको, ये आंसर कैसे हुआ इसका, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ये दो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इनमें से फर्स्ट सेकंड ले लीजिए आप, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, सेकंड टर्म में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, इसको एज इट इज, ऐसे करते हैं। चलो आपका डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के फंक्शन का, और एफ एक्स इस टर्म में एज इट इज रखेगा, रखा जाएगा, प्लस आता है हमेशा, प्रोडक्ट रूल में क्या आता है प्लस, अब चेंज कर देंगे, डेरिवेटिव आपका होगा, आप एज इट इज आएंगे, तो के डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स,
जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। बताइए इसका। जीरो जीरो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा इंटू एफ एक्स प्लस के डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब आप इसको जब जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म जीरो हो गया, ऐड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, तो आंसर आ गया के डिवाइड बाई डी एक्स एफ एक्स। ये अपने आप एक प्रोडक्ट रूल से हम आंसर दे रहे हैं इसका, के एफ एक्स, क्योंकि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्पेशल होने की वजह से हमने इसको अलग रूल के फॉर्म में लिया है, नंबर फोर नाम दे दिया इसको हमने, है प्रोडक्ट रूल ही है। कैसे है कि अरे इतना क्यों करेंगे बार बार, जब हमें समझ में आ गया आप दोनों में से एक फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं है। वो कैसे, इस के को आप डिवाइड बाई डी एक्स के बाहर कर दीजिए, क्योंकि के एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स के साथ इसको रखना, उसके आगे रखना उसको वो मीनिंगलेस हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया ऐसे, जैसे कोई भी ले लिया हमने 2x स्क्वायर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो ये आप चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, लेकिन नहीं, 2x पे डिपेंडेंट नहीं है तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, ओनली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि एक्स पे डिपेंडेड है एक्स स्क्वायर, टू तो है ही नहीं डिपेंडेड, तो क्या हो जाएगा 2 इनटू, बताइए 2x, और आंसर हो जाएगा 4x। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स, देखिए 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका आंसर कैसे दिया जाना होगा कोई बता सकता है आप में से? स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे पहले सर। स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, गुड, बताइए फिर 2x का फिर 3 का। आप बोल के बता सकते हैं आंसर क्या रहा है? 4x प्लस 6। 4x आ रहा आंसर, 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 प्लस 6, वेरी गुड वेरी गुड। देखो जो आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो रूल हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कल की क्लास होगी उसको हम बोलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। तो फंक्शन में फंक्शन आ जाता है, कंपोजिट फंक्शंस आ जाते हैं, टू फंक्शंस से मिलकर कोई एक फंक्शन बनता है ना, उसको हम कल की क्लास में लेंगे, आज इसको हम थोड़ा सिंपल करके पढ़ेंगे। कैसे आप इसका प्रसार कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा, ये क्या हो जाना होने वाला है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एडिशन रूल लगाएंगे यहाँ पर, एडिशन कैसे, थ्री फंक्शन का एडिशन है 1 2 3, और एडिशन में आप जानते होंगे रूल, आपका सेपरेटली डेरिवेटिव, आपका भी और आपका सेपरेट, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस, अभी आप मल्टीप्लाई यूज नहीं करेंगे आप इसमें, 8x प्लस डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 9। यस बेटा 8x प्लस 12 इसका आंसर होगा फाइनल। हमने परसा गलत कर दिया किसका, 4x स्क्वायर 6 12x नो सर, इसका फाइनल आंसर 8x प्लस 12 होगा। एक मिनट दोबारा बोलो बेटा क्या होगा इसका फाइनल आंसर, 8x प्लस 12 आंसर गलत था, सही है, ये आएगा आंसर तो, हाँ होता तो मैंने भी गलत बोल दिया, कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, ठीक है ये आएगा इसका आंसर, दिख रहा ना आपके सामने। अब देखो आप ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट जरूर है ये, लेकिन इन दोनों में से ये जो फर्स्ट फंक्शन है 4 वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव न करके हम मल्टीप्लाई में बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4 को आउटसाइड में रख देंगे, 4 डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस 12 को आउटसाइड में ले लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई 9 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव 0 होगा, चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो फटाफट देखें, 2x गुड, 2x
ट्वेल्व इंटू बोलो वन वन प्लस जीरो, तो आंसर आंसर हो जाएगा एट एक्स प्लस ट्वेल्व। पहले जो आंसर बोला गया था वो गलत था, क्यों था आपके सामने है ये, ठीक है ऐसे हो गया ये। और हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, ये जो हमने आज रूल्स पढ़े हैं, हमने कल भी देखे थे आज भी देखे हैं, अब आप देखेंगे जहां जहां डेरिवेटिव्स है वहां वहां ये रूल्स है। आप इनके विदाउट डेरिवेटिव में अपने आप को जीरो मान लीजिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपने आप को 100% मान लीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स और अभी नए नए बनेंगे जो आपको स्पीड देने का कार्य करेंगे। डेरिवेटिव हमेशा इससे लिख सकते हैं, हम लोग हमेशा लिख सकते हैं, लेकिन स्पीड आपको समय के साथ आएगी, या कुछ फंक्शन डिफिकल्ट भी होंगे जहां पे डायरेक्टली आप देखेंगे अरे तो स्टैंडर्ड फंक्शन ही नहीं है, हम डेरिवेटिव कैसे दें। तो कल की क्लास में हम यही सीखेंगे, कल की क्लास से हम ऐसे फंक्शन लेंगे जिनका डेरिवेटिव आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा कोई भी फंक्शन हम ले लेते हैं, सोच लीजिए आप जैसे ऐसे, क्या आंसर होगा इसका? आज की कंडीशन में आंसर देना, cos x plus 2। रिपीट करो बेटा, cos x plus 2। नहीं नहीं नहीं, देखो आप क्या जानते हैं पहले वो देख लीजिए। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस कहता है कि हम ओनली साइन एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं, वो होता है कॉस ऑफ एक्स। लेकिन यहां जो एंगल है एक्स है, यहां का एंगल क्या है? एक्स प्लस टू है। इसका एंगल क्या है? एक्स प्लस टू है।